हेलो दोस्तों, येलो फूड कॉर्नर में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, ये है वेज फिश करी। जी दोस्तों, ये जो डिश है ना, इसका जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है, बिल्कुल फिश की तरह होता है, इसीलिए इसको वेज फिश करी कहा जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से वेजिटेरियन डिश है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और कभी ऐसा मौका हो कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते तो आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं। और इस डिश को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 4 से 5 पापड़ की। पापड़ कोई भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बना लिया है। आगे इसका डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 4 बॉइल आलू। तो ये देखिए दोस्तों, इसको ना हमें कद्दूकस करना है ताकि इसके डो में किसी भी प्रकार के आलू के लम्स ना रहें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया आइडिया यही है कि आप इस तरीके से इसको कद्दूकस कर लें। हाथ से करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लम्स इसमें छूट जाएगा। और लीजिए दोस्तों, आलू हो गया है कद्दूकस। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। ये तीनों चीज़ ना इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देंगे। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कलर के लिए थोड़ा सा यूज किया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारे जो पापड़ है ना उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो इसलिए इसको आप ध्यान से थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड कीजिएगा। और उसके बाद 2 से 3 चम्मच यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बेसन, ताकि हम इसको एक अच्छे से बाइंडिंग दे सकें। दोस्तों अब इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। सरसों का ऑयल छोड़ के आप कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक कि घी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे ना, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिला लेंगे और उसके बाद इसका एक डो तैयार करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पानी की आवश्यकता है तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एकदम से इसमें शुरू में पानी मत मिलाइएगा। दोस्तों ये लीजिए, हमारा डो बनके हो गया है तैयार। इसको 5 से 10 मिनट हम रेस्ट देंगे, क्योंकि जो हमारे पापड़ होते हैं ना काफ़ी हार्ड होते हैं, तो अभी उन्हें सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हम इसे दोबारा मस लेंगे। तब तक हम इसकी ग्रेवी के लिए ना मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच सरसों दाना और 1 चम्मच साबुत जीरा, 10-12 काली मिर्च और 4 साबुत लाल मिर्च। और जो धनिया और जीरा है ना, इन दोनों को मैंने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैं साथ में ले रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक का और 5-6 कलियाँ लहसुन की, 2 टमाटर और 1 ले रही हूँ मैं बॉईल करा हुआ आलू, जो कि हमारी ग्रेवी को ना थोड़ा थिक बनाने में हेल्प करेगा। और इन सब चीज़ों को पीस के मैं पेस्ट बना लूँगी और साइड में रख लूँगी। और इधर देखिए दोस्तों, हमारा ये जो पापड़ वाला डो था ना, क्या हो गया, और ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो मेरे को यहाँ पर करना क्या है, इसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको दोबारा से मलना है और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, फटाफट से इसको हम मल लेते हैं और दोबारा से इसका हमने एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। और इसको हम करेंगे इस चाकू से कट। तो दोस्तों हमने इसको इस तरीके से लेना है और थोड़ा तिरछा तिरछा सा कट करना है, बिल्कुल जैसे फिश करी के पीस होते हैं ना, सेम वैसे ही हमने इसको बनाना है। और इसके बीच में भी हम वैसे ही होल बनाएंगे और ये बिल्कुल फिश करी के पीसेस जैसे ही दिखाई देगा। दोस्तों अगर आपका डो थोड़ा हार्ड हो गया है ना, तो आप इसमें तेल और पानी लगा के इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने भी यहाँ पर तेल का यूज करा है। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारी वेज फिश तैयार कर ली हैं और अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो चलिए, यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप यहां पर 2-2, 3-3 करके बिल्कुल लो फ्लेम में इसको अच्छे से फ्राई कीजिएगा। दोस्तों अगर इनको आप हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे ना, तो ये एकदम से जल जाएंगे। तो देख रहे होंगे आप, मैं बिल्कुल इनको लो फ्लेम में ही सेक रही हूं और इस तरीके से मैं सारे पीसेस को फ्राई कर लूँगी। ये लीजिए दोस्तों, मैंने सारे पीसेस को ना फ्राई कर लिया है और ये कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ना। और आप चाहें ना तो ऐसे ही इनको केचप के साथ खा सकते हैं कटलेट की तरह, लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ इसकी फिश करी। तो यहाँ पर मैंने उसी जो हमने कढ़ाई फ्राई करने के लिए यूज करी थी ना, वही ले रही हूँ। और इसमें मैं 1/2 चम्मच राई दाने का तड़का लगाऊंगी। तो अब इस करी को एक बेहतरीन कलर देने के लिए मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच यूज कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च।
इस तरीके से कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का अगर आप किसी भी करी में लगाते हैं ना, तो वो देखने में ना बहुत ही ज़्यादा डिलाइसियस लगती है। और बस तुरंत ही हम इसमें ऐड करेंगे अपना ग्रेवी वाला मसाला। तो ये जो भी सारे खड़े मसाले, टमाटर, लहसुन, अदरक, जो सारी चीज़ें हमने शुरू में ली थी, उन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ ही मिक्सी में पीस लिया था। और इस ग्रेवी के मसाले को हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। दोस्तों फ्राई करते करते मैं इसमें मसाले भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर 1/4 हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैं ऐड कर रही हूँ। दोस्तों इसके बाद ना इसको 2 से 3 मिनट और हमें फ्राई करना है, और उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है पानी। आपको जितनी तरी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 लीटर पानी ऐड करा है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर मीट मसाला भी यूज कर सकते हैं, उससे तो ये करी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास उपलब्ध नहीं था तो मैंने यहाँ पर गरम मसाले का ही यूज किया है। दोस्तों ग्रेवी बनके तैयार हो गई है, और अब आपको इस ग्रेवी को हरे धनिये के साथ गार्निश करना है और इन पीसेस को इस तरी में छोड़ देना है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप तुरंत खाना सर्व नहीं करने वाले हैं तो इनको अलग अलग ही रखिएगा, और ठीक सर्व करने से पहले ही इसको तरी में ऐड कीजिएगा, जिस तरीके से कोफ्तों को किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो हमारी ग्रेवी होती है ना उसको एकदम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये टूट भी जाते हैं, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है अपनी वेज फिश करी। देखने में ही ये कितनी लजीज और डिलाइसियस लग रही है, और मैं सच बताऊँ इसकी जो खुशबू है ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कोई नॉन वेज बनाया है। तो दोस्तों आज की ये वेज फिश करी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी फेस्टिवल के दिन या फिर जिस दिन आपकी पूरी फैमिली एक साथ डिनर या लंच कर रही हो ना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब इसकी ना तारीफ करते नहीं थकेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक मैं लेती हूँ विदा। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और बाय बाय।